अज्ञात और जिनका चित्त बहुत भ्रमित रहता है, संशय भ्रम उलझन गफलत, अनवांटेड थॉट्स, अनहेल्दी थॉट्स और ओवरथिंकिंग, साथ में नेगेटिव डिस्ट्रैक्टिव थिंकिंग, ये बात बढ़ने का है। फिर कफ से सर्दी जुकाम, कफ कोल्ड, साइनस, ये जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, ये तो प्रारंभिक लक्षण है कफ के। कफ बढ़ने से मोटापा बढ़ता है। क्या बढ़ता है बोलो? मोटापा। कफ बढ़ने से गांठ बढ़ती है शरीर में, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है शरीर में, कहीं पर भी गांठ और जो इन्फ्लेमेशन है। सामान्य मध्यम तीव्र गति से योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम चलता रहेगा। पहले मर्म बता दे रहा हूं, स्वास्थ्य का एस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ, संपूर्ण समग्र और स्थायी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का पूरा दर्शन, निचोड़ निष्कर्ष बता रहा। आधा या पूरा, वात बढ़ने से कफ बढ़ने से रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेमेशंस, कहीं ये ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड बहुत गाढ़ा हो गया और उससे फिर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है। मोटापा, शरीर में गांठे, कोई भी अनवांटेड जो ग्रोथ होती है शरीर में किसी भी चीज की, हड्डियों की, और भी बहुत तरह के, किसी किसी के शरीर पर मस्से या थन जैसे निकल आते हैं सैकड़ों की संख्या में, चेहरे से लेके पेट, पीठ से लेके, ये सब कफ का विकार है। पित्त से एसिडिटी, अल्सर, कोलाइटिस तो बढ़ता ही है। पित्त से मन में बेचैनी होती है, दिल घबराता है, बीपी बढ़ जाता है पित्त बढ़ने से, स्किन रोग बढ़ जाते हैं, जितने भी स्किन रोग, पित्त बढ़ने से गुस्सा बढ़ता है, उत्तेजनाएं बढ़ती है और इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं आ जाती हैं, जिससे जितना बन पाए ये अभ्यास एक रिदम के साथ कर लेना। वात पित्त कफ त्रिदोष, एम त्रिदोष जनित मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड, ये कब बढ़ने से होता है। आंखों की समस्या पित्त बढ़ने से होती है और आंख, कान और गले के रोग कफ बढ़ने से भी होते हैं। तो कुछ पित्तज और कफज, कुछ त्रिदोष बढ़ने से होते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप तो प्रधान पित्त बढ़ने से होता है, मधुमेह, डायबिटीज, पित्त और कफ दोनों बढ़ने से। पित्त कफ बढ़े और वात का संतुलन बिगड़ा, प्राण शक्ति कमजोर पड़ी, योगी योगी करते समय भस्त्री का भी कपाल भाती भी चल रहा है, पूरा श्वास ले रहे हैं, पूरा छोड़ रहे हैं, सामान्य गति से करा रहे हैं, फिर मध्यम से करो, फिर तीव्र से करो, ये तो मैंने थोड़ा त्रिदोष के बारे में सामान्य चर्चा की।